हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले के क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुका है, तो देखेंगे कि दो पैरेलल साइड्स आपको दी हैं, ठीक है। एक तरह से टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है वृत्त की। सेंटर आपका ओ है केंद्र, और व्यास पी क्यू जो कि डायमीटर दिया हुआ है। हमें ये बताना है, इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ए ओ बी बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल 90 का है या नहीं, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो टुकड़े कर देंगे इसके, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको इससे मिला दिया। अब जहां तक जितना हो सके उतना क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर क्लियर आपको दिखना चाहिए। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी में, ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए। कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए? ए ओ पी, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया। इन दोनों त्रिभुजों को हम कॉन्क्वाइस मतलब सर्वांग सम बताएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए ओ पी और AOC में, ये तो लिख लोगे ना हिंदी वाले, और आ जाएगा ये MA आ जाएगा त्रिभुज ये और ये में, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो। तो देखो कैसे होगा, AOP ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। क्यों बराबर है ये भी देखेंगे। AP बराबर है आपके AC के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए, बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं हैं ये। स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से, दोनों बराबर होती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से बराबर होती हैं, ठीक है। AP और AC दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हो गई। दूसरा AO बराबर है AO के। ये क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज कौन सी बराबर है? त्रिज्या बराबर है इस त्रिभुज में OP और इस त्रिभुज में OC। ये क्या है? रेडियस मतलब त्रिज्याएं बराबर है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अतः हैंस त्रिभुज एओपी कॉन्ग्रुएंस है किसके? त्रिभुज एओसी के। और यदि ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग सम अगर है, सर्वांग सम अगर है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? बराबर है। बराबर त्रिभुज अगर होते हैं तो सारी चीज उनकी बराबर होती है, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो गया, कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण ए ओ सी के। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली सिमिलरली क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल देखेंगे, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल कौन कौन सा, बी ओ क्यू ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी,
ये दोनों भी कैसे हैं, कैसे हैं सीधा लिख देना, एंड भी मत लगाना आप, तो डायरेक्ट लिख दो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है, तो एंगल बी ओ क्यू बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इधर भी बता देता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये चारों एंगल कैसे हैं, बराबर है। और हमें क्या पता है, और क्या चीज पता है, यहाँ पे हेयर पी ओ क्यू इज ए डायमीटर, क्या है डायमीटर, एंड ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब हिंदी में देख लो क्या है, पी ओ क्यू एक व्यास है जो कि एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा होने का मतलब क्या होता है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180, जो सीधी लाइन है वो कैसी होगी 180 की। और पी ओ क्यू पे देखो, पी ओ क्यू पे ये चारों एंगल बन रहे हैं, ये चारों एंगल बन रहे हैं, तो पी ओ क्यू की जगह पर मैं इन चारों एंगलों को प्लस करके लिखूंगा। कौन कौन से, ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, एंगल वन, एंगल वन का नाम क्या है, एंगल वन का नाम क्या है ओ ए ओ पी, एंगल टू का नाम क्या है देखो टू पे ए ओ सी, प्लस एंगल थ्री कौन सा है बी ओ सी, एंगल फोर को देखो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू कितना 180, ये चारों एंगलों को प्लस करके बता दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका एंगल ए ओ पी ए ओ सी के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, ए ओ सी, यहाँ ए ओ सी है ही, ये बी ओ सी है, और बी ओ क्यू, बी ओ क्यू बी ओ सी के बराबर है, तो बी ओ क्यू की जगह पर भी बी ओ सी रख देंगे। ठीक है, बराबर कितना जाएगा 180। अब आगे बढ़ते हैं, ए ओ सी, ए ओ सी कितने हो गए, एंगल 2 ए ओ सी हो गया, बी ओ सी, बी ओ सी 2 एंगल बी ओ सी हो गया, इक्वल टू 180 है। इनमें से 2 कॉमन ले लो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 90, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा गौर करना कि ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, और बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल, ये और बी ओ सी दोनों मिलके क्या बन रहा है, ए ओ बी तो बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों को अगर प्लस किया जाएगा तो ए ओ बी तो बन रहा है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा एक केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एक सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जो जिन दो कोणों का योग 180 हो, जिन दोनों एंगल्स को अगर प्लस करके 180 आ जाए वो सप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आपका वृत्त है,
कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर वाला, बाहर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम हम पी दे देते हैं, और ये सर्किल है जिसका सेंटर हमारे पास ओ है। ठीक है, सेंटर थोड़ा ऊंचा बना दें। ठीक है, अब इस जो बाहर पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी, ऊंची निकल गई। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये वाली। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस स्पर्श बिंदु को नाम दे देते हैं बी ए, और इसको दे देते हैं बी, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनने वाला कोण ए ओ बी और ए वाला कोण कैसा होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, आपसे यही पूछा गया है, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। प्रूव दैट, प्रूव इट, ये प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, हमें इसको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है, मतलब क्या करना है? इसे सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करोगे भैया? देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए एंड और एंड लिख लेना इंग्लिश वाले, बी ओ या ओ बी परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है किस पर? पी बी पर। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट होती है, और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इससे हमें क्या पता चलता है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ बना देते हैं, दिक्कत देगा अभी, बीच में क्वेश्चन में चला जाएगा। ये लंबवत है तो इससे क्या पता चल रहा है कि एंगल पी ए ओ बराबर कितने का? 90 का। इस चीज से क्या पता चल रहा है? एंगल पी बी ओ कितने का हो गया? 90 का हो गया। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे हो गए हमारे पास? ये दोनों कोण हो गए 90 90 के, दोनों कोण कैसे हो गए 90 90 के। अब चतुर्भुज सीधा सीधा ले लो, ये चतुर्भुज पी ए ओ बी में इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ पी में, क्वाड्रिलेटरल लिख लेना इस चतुर्भुज की जगह पे, जितने भी क्वाड्रिलेटरल के बीच के जो एंगल होते हैं, चार अंदर के जो एंगल होते हैं, चारों एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इन चारों एंगलों को अगर जोड़ोगे तो 360 ही आता है। जैसे त्रिभुज को जोड़ने के पे एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगलों को जोड़ने पर कितना आता है? 180। ऐसे चतुर्भुज को चारों एंगल कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 360, 360। तो इस एंगल का नाम क्या है? ए पी बी एंगल, ए पी बी। इसका नाम हमें नहीं पता, मतलब नाम तो पता है, वैल्यू नहीं पता, कितने का है हमें नहीं मालूम, यही तो निकालना है हमें। प्लस ये वाला हो गया, इसका नाम देखो पी बी ओ, प्लस इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? एंगल ए ओ बी, और इसका नाम क्या है? पी ए ओ। चारों कोण के नाम हमने लिख लिए, चाहो तो एंगल 1 2 3 4 ये नाम भी दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 360।
अब इसको लिखो, ए पी बी पी बी ओ कितने का है? 90 का। एंगल ए ओ बी हमें नहीं पता, ये कितने का है? 90 का। 360 जिसकी वैल्यू नहीं पता उन्हें लिख लो पहले, 90 और 90 कितने हो गए? 180। 360 में माइनस पे करेंगे वहां जाके, ठीक है। और पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ये घटा दिए गए तो कितने बचे? 180। और हमें यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था, ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है, ठीक है। अच्छा देखो, पहले समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ये समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सामने की दो लाइन बराबर और पैरेलल होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। बराबर मतलब इक्वल और पैरेलल मतलब समांतर। समचतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन सामने की जो साइड होती है अपोजिट साइड, ये दोनों पैरेलल होती हैं, सिर्फ पैरेलल होती हैं, और चारों साइड इक्वल होती हैं। बराबर तो होती ही हैं, यहाँ पे चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो आपको यही बताना है कि एक सर्किल के बाहर जो पैरेललोग्राम बना है वो एक रम्बस है, एक जो समांतर चतुर्भुज जो बाहर बना है वो एक समचतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन तो हमारी यहीं पे देख लो कि एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, एक समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज नहीं कहेंगे, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफिंग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सेंटर ओ, जो केंद्र है वो हमारा ओ है, सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका केंद्र एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? स्पर्श रेखा नाम लिख देंगे सीधा सीधा, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ये क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट, इंग्लिश वाले टेंजेंट लिख लें। ये सब क्या है? टेंजेंट है। अब हमें क्या पता है? जो गिवन है, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर चतुर्भुज होने के वजह से क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या मिला? कि ए बी बराबर होगा डी सी के। ए बी किसके बराबर होगा? डी सी के, इक्वेशन नंबर 1। और बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर, और पैरेलल भी है, लेकिन पैरेलल की हमें जरूरत नहीं है। और इसको हमें एक रंबस प्रूफ करने के लिए चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। एक रंबस, एक पैरेललोग्राम को हम रंबस प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? यहां देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है?
एपी बराबर है एएस के, बराबर है कि नहीं है? एपी बराबर है एएस के, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरा, ये क्यों बराबर है? बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर डाली जाती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां लिख लेना फ्रॉम पॉइंट ए, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं बराबर है। अब बिंदु बी को ले लो, बाय पॉइंट बी, बिंदु बी से क्या मिलेगा? बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। इक्वेशन नंबर फोर्थ बना दो। ऐसे बिंदु सी से ले आओ, बिंदु सी से क्या लेंगे हम? सी क्यू आएगा और सी आर यहां पे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फिफ्थ बन जाएगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको बाद में पता चल जाएगा, जब हम चारों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। और अब बिंदु डी से क्या लेंगे? बिंदु डी से डी आर, सी आर इस तरफ है तो डी आर इधर ले लेंगे, क्योंकि इन्हें जोड़ना है बाद में, क्या है, जोड़ेंगे। तो सी आर डी आर इधर आ गया तो डी एस यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सिक्स ये बन जाएगी पॉइंट डी से, ठीक है, बिंदु डी द्वारा, ऐसा लिख लेना। अब नाउ इक्वेशन थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इन सभी इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे तो LHS वाला पार्ट LHS में, RHS वाला RHS में जुड़ेगा। ऐसे जोड़ोगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इनको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। देखो AP BP को अगर जोड़ते हैं, AP और PV को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? AB मिलेगा। CRDR को अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? CDC मिलेगा। सीधा सीधा क्या मिलेगा? DC मिलेगा। बराबर AS को BQ में नहीं जोड़ सकते, AS को DS में जोड़ेंगे, AS को DS में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AD प्लस BQ CQ को जोड़ दो तो BC मिलेगा सीधा सीधा। अब देखो यहां से AB DC के बराबर है तो DC की जगह पे मैं AB लिख दूं, AB इक्वल टू AB प्लस AD की जगह AD ही रहने दो या BC ही रहने दो? BC रहने दो, AD BC के बराबर है। इक्वेशन नंबर टू में पहले हमने लिख रखा है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? BC, और ये BC है ही तो 2AB 2BC ये दोनों बराबर हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो AB हमारा BC के बराबर हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? 6 यहाँ बन चुकी है, सातवीं इक्वेशन ये हमारा, तो इक्वेशन नंबर 7। अब देखो Y कंपेयरिंग, सीधा सीधा लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 and 7, पहली दूसरी और सातवीं इक्वेशन की तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। तो देखो ए बी किसके बराबर है? डी सी के बराबर है, और यहां पे ए बी बी सी के बराबर है, तो ये तीनों बराबर नहीं होंगे क्या? ए बी डी सी के बराबर भी है, ए बी बी सी के बराबर भी है, तो ये तीनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। और जो बी सी है
जो बीसी है वो एडी के बराबर है। बीसी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। तो ये चारों साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। हैंस दिस इज ए, हैंस सीधा लिखो ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी इज ए रंबस, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।